है, बैठक जारी है। जल्दी से जानकारी देते हैं, महाराष्ट्र संकट को लेकर बीजेपी का मंथन तेज हो गया है। पारस हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। पारस, अब यहाँ पर बीजेपी की कोशिश तो यही है पारस, पत्थर कुछ ऐसा मिल जाए जिसके जरिए वो अपनी सरकार बना ले। विपक्षी नेताओं के साथ जो बंधन इस वक्त चल रही है देवेंद्र फडणवीस की, क्या है एजेंडा, क्या स्ट्रेटेजी तैयार की जा रही है, कौन कौन से नेता पहुंचे हैं, जिसको लेकर आप जानकारी देंगे पारस? सबसे पावरफुल इंसान अभी हम अगर किसी को कह सकते हैं तो वो है देवेंद्र फडणवीस, और दूसरे हैं एकनाथ शिंदे, तो गुवाहाटी में बैठे हैं। ये केंद्र बिंदु बन गया है। लगातार पांच दिनों से हम देख रहे हैं कि बीजेपी के जो वरिष्ठ नेता है वो यहाँ पहुंच रहे हैं। लगातार एमएलए जो है बीजेपी के वो दूर दूर से आ रहे हैं, महाराष्ट्र के कोने कोने से यहाँ पे आ रहे हैं और यहाँ उनसे मिलके जा रहे हैं। पूरी तरीके से प्लान ऑफ एक्शन जो है वो तैयार किया जा रहा है। कुछ देर पहले रामदास अठावले जो है वो यहाँ पहुंचे हैं, कुछ न कुछ प्लान ऑफ एक्शन जो है वो तैयार किया जाएगा। कल जो मीटिंग हुई थी इसी जगह पर मीटिंग हुई थी जहां पर वरिष्ठ नेता आशीष शेलार हो, मंगल प्रभात लोधा हो, बाकी के जितने भी सीनियर लीडर्स हैं बीजेपी के वो यहाँ मौजूद थे। और जो 16 लोगों को डिस्क्वालिफिकेशन का प्रोसेस जो शुरू करने वाली थी शिवसेना, जो याचिका दायर करने वाली थी, उस पर मंथन किया गया था। आज भी कुछ इसी पूरे मुद्दे पर मंथन किया जाएगा। बीजेपी की हलचल अब तेज हो गई है। हमने लगातार देखा है कि पहले दिन से हम बीजेपी को ऑफ द फ्रेम देख रहे थे, बट और इन द फ्रेम कुछ दिनों से देखना शुरू किया है। जब गुवाहाटी लेके जाया जा रहा था सूरत से पूरे बागी कैंप को, तो मोहित कंबोज दिखते हैं उस चार्टर्ड फ्लाइट में। उसके बाद धीमे धीमे चीजें जो है वो खुल के सामने आने लगती है। चंद्र प्रकाश जो बाकी पाटिल साहब जो है वो वहां दिखते हैं, बाकी के लोग धीमे धीमे दिखने लगते हैं। लगातार शिवसेना के जो एमएलए हैं, जो विधायक हैं, वो गुवाहाटी पहुंच रहे हैं, जहां पर लगातार एक्शन चालू है। जहां पर मैं हूँ लगातार गाड़ियां आ रही हैं, दूर दूर से जो विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी के वो यहाँ पहुंच रहे हैं और लगातार देवेंद्र फडणवीस मंथन कर रहे हैं कि किस तरीके से अब प्लान ऑफ एक्शन किया जाए। क्योंकि एकनाथ शिंदे लगातार क्लेम कर रहे हैं कि उनके पास 40 से ज्यादा विधायक है, और अगर 40 से ज्यादा विधायक हैं तो अब इस पे कैसे आगे बढ़ेगी भारतीय जनता पार्टी। क्योंकि एकनाथ शिंदे ने 2 दिन पहले एक वीडियो डाला था, उस वीडियो में उन्होंने बहुत सारे इशारे किए थे। उस इशारे में एक इशारा ये भी था कि महाशक्ति पार्टी है। अब उसका आपकी बातों से पारस ऐसा लग रहा है कि गुवाहाटी में जो एमएलए बागी बनकर बैठे हुए हैं शिवसेना के, वो बीजेपी से ही तो कहीं हरी झंडी के इंतजार में नहीं है, क्योंकि जिस तरह की स्थिति मौजूदा वक्त में बनी हुई है, शिवसेना की ओर से उद्धव ठाकरे ने तो सीधे कह दिया है इस्तीफा नहीं देंगे, पुष्पा मूवी की तर्ज पर मैं झुकेगा नहीं। ऐसे में क्या ये माना जा सकता है कि अब बीजेपी मान चुकी है कि वो फिलहाल इस्तीफा देने नहीं जा रहे हैं, ऐसे में अब आगे की रणनीति भारतीय जनता पार्टी को ही बनानी पड़ेगी और विपक्षी दलों को मांग करना पड़ेगा कि फ्लोर टेस्ट हो जाए और बहुमत साबित करें उद्धव ठाकरे? जी जी, तरह बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी एक्शन में हमें दिख रही है। एकनाथ शिंदे हम देख रहे हैं कि किस तरीके से वो हर बार ये दावा कर रहे हैं कि वो अब पावर पोजीशन में हैं और उनको जो विधायक जिनके लिए डिस्क्वालिफिकेशन डाला गया है उनको भी कहा गया है कि अगर जरूरत पड़ी तो वो मुंबई वापस आएंगे। चीजें अब जो है एकनाथ शिंदे के कोर्ट में है। हम ये सब जानते हैं कि किस तरीके से आंकड़ों का नंबर चल रहा है, आंकड़ों का गेम चल रहा है। यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी सक्रिय है बट यहाँ पे कोई बोल नहीं रहा है। हम लगातार कोशिश कर रहे हैं उनके विधायकों से बात करने की कोशिश की, उनके नेताओं से बात करने की कोशिश की, बट कोई भी इस पूरे मुद्दे पर कुछ बोलना नहीं चाहता है। ये बेहद जरूरी है, कोई कुछ भी नहीं बोलना चाहता है, मतलब कुछ भी जो है।